कुंडली में शनि जब पंचम भाव में हो तो किस तरीके का परिणाम देते हैं, क्या फल मिलते हैं हमारे जीवन में ऐसे शनि के होने से, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या हम उपाय कर सकते हैं ऐसे शनि को पैसिफाई करने में, ऐसे शनि को सुगम बनाने में, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और हम शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे जो पंचम भाव से सातवें, ग्यारहवें और दूसरे स्थान पर कुंडली के, जन्म कुंडली के पड़ रही होती है। वेलकम टू 108 एस्ट्रो, मेरा नाम है आतेश और आज हम बात कर रहे हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस में शनि के रिजल्ट्स की। तो कुंडली का फिफ्थ हाउस, हमने कई वीडियोस में इस बारे में बात की कि कुंडली का फिफ्थ हाउस क्या होता है। फिफ्थ हाउस हमारे चिल्ड्रन का हाउस होता है, हमारी बुद्धि का कारक होता है, हमारे पास कर्म का भाव होता है, हमारे लव और रोमांस का भी भाव फिफ्थ हाउस होता है, क्योंकि हमारा मन जहाँ मिल जाए उस भाव से ही हमारे जीवन में जो लग्जरी आएगी, जो हमारा मेंटल पीस आएगा, उसको भी हम फिफ्थ भाव से देखते हैं, पंचम भाव से ही देखते हैं। तो बहुत की हाउस है ये, और यहाँ सैटर्न का होना, शनि का होना आपके लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन सकता है। आज वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे। शनि एक स्लो प्लैनेट है, शनि एक अंतर्मुखी प्लैनेट है। अंतर्मुखी का मतलब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने वाला। तो ऐसा प्लैनेट जब फिफ्थ हाउस में आ जाए और किसी और ग्रह के साथ इसकी युति ना हो, स्पेशली यानी अकेले हो, ऐसे शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, यानी इसके पूर्ण रिजल्ट्स हमें फिफ्थ हाउस के सशक्त रिजल्ट मिल रहे हो, ऐसे शनि को एवेल्युएट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके पूरे ट्रेट्स, इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे शनि के इंसान के जीवन में देखने को मिलते हैं, उसकी सोच में देखने को मिलते हैं। और जिस सोच को बिल्डअप करता है ऐसा पर्सन, उस सोच के चलते वो अपने जीवन में क्या थिंकिंग रखेगा, किस तरह के उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये समझना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला रिजल्ट देखते हैं, सोच यानी कि थिंकिंग को किस तरीके से प्रभावित करेगा ऐसा शनि। तो थिंकिंग यानी किसी भी पर्सन की एक सोच। शनि एक स्लो प्लैनेट है, एक वृद्ध प्लैनेट है, हमारे बुढ़ापे का कारक भी शनि है। बुढ़ापे में हम शनि की ओनरशिप में होते हैं। अब ऐसा प्लैनेट अगर बुद्धि के भाव में आ जाए तो ये सबसे पहला रिजल्ट क्या देगा, ये हमारी सोच को मैच्योर करेगा। सोच को मैच्योर करेगा मतलब अगर कोई बच्चा है उसके फिफ्थ हाउस में आप शनि, ऐसे शनि को देखिए, तो ऐसा शनि ऐसे बच्चे को अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग देगा। बाकी बच्चे जब बाहर खेल रहे होंगे या कुछ एंजॉयमेंट कर रहे होंगे, कुछ फन एक्टिविटी कर रहे होंगे, ऐसा बच्चा हो सकता है डिसिप्लिन्ड बहुत ज़्यादा हो, पढ़ाई की तरफ उसका सीरियसनेस बहुत ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं ऐसा पर्सन टॉपर हो या मार्क्स बहुत अच्छे लाए, क्योंकि ऐसा शनि एजुकेशन में ब्रेक भी दिखाता है। हम एजुकेशन की भी बात करेंगे, लेकिन सोच को प्रभावित करने में, ये बचपन से ही सोच को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है ऐसा शनि। और कई लोगों को आपने देखा होगा, आप अपने ग्रुप में सोच कर देखिए, ऐसे लोग जिनके थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है, जब आप किसी भी फन एक्टिविटी की बात करेंगे, वह ये बात करेंगे कि नहीं, हमें किसी सीरियस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, सोशल कॉज की बात करनी चाहिए, किसी हॉबी को ग्रूम करने की बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई, चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात करनी चाहिए। तो एक बार उनकी कुंडली ज़रूर देखिए, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है शनि आपको फिफ्थ हाउस में मिल जाए या फिफ्थ हाउस पर शनि का इम्पैक्ट मिले। ऐसे लोग जिनका शनि फिफ्थ हाउस में है, पंचम भाव में है, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। ऐसे लोग, उनके जीवन में डिसिप्लिन, उनके जीवन में किसी भी स्टडी को, किसी भी ज्ञान को आगे तक ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उनके लिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उनके लिए, उसको इग्नोर नहीं करते आसानी से, एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं ऐसे लोग। अध्ययन का कारक शनि बन जाता है फिफ्थ हाउस में आकर, क्योंकि अंतर्मुखी प्लैनेट है, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानने की कोशिश ऐसा पर्सन हो सकता है पूरी ज़िंदगी करता रहे, अपने टैलेंट को उभारने की कोशिश करता रहे ऐसा पर्सन, अपने आप को और बेटरमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा ऐसा पर्सन। कुछ लोग जैसे बहुत कैजुअल होते हैं, जैसे लाइफ जा रही है वैसे जाने देते हैं, ऐसे लोगों को पूरा कंट्रोल चाहिए अपनी लाइफ पे। तो ऐसा सैटर्न जो फिफ्थ हाउस का सैटर्न है, वो आपको ये शनि बहुत ज़्यादा मैच्योर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थिंकिंग देता है। इसलिए ऐसे लोग जिस किसी हॉबी में लग जाएं, उस हॉबी को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उभारते हैं, और एक दिन अपनी इस हॉबी को वो प्रोफेशन में भी कन्वर्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। यह शनि की सातवीं दृष्टि जो ग्यारहवें भाव पर है, ये उसका परिणाम भी होता है कि एजुकेशन से आगे उसको प्रोफेशन बना लेना, उस विद्या को या उस लर्निंग को जो उन्होंने अपने आप को तपस्या करके उस एरिया में उसको रिफाइन किया है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है उस एरिया में। तो ये तो बात हुई एक पर्सन की थिंकिंग की। थिंकिंग के बाद बात करते हैं एजुकेशन की।
एजुकेशन में ऐसा शनि आपको फेमस बनाएगा, फेम देगा पढ़ाई लिखाई की चीजों में, या फिर जब आप किसी ज्ञान को अर्जित करते हैं उसके लिए आपको फेमस देगा, फेम उसके लिए आपको फेम देगा। तो ऐसा शनि मिडिल एजुकेशन यानी कि फिफ्थ स्टैंडर्ड से ट्वेल्थ तक या ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन तक, ये एजुकेशन में ब्रेक भी दे सकता है विभिन्न कारणों से, या तो हेल्थ को खराब करेगा या थिंकिंग ऐसी हो जाएगी कि इंसान अपने आप एक साल ड्रॉप ले ले, डिप्रेशन में आ सकता है ऐसा पर्सन एजुकेशन को लेकर कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं मेरी साल तैयारी नहीं है, इस तरह के परिणाम ऐसा सैटर्न दे सकता है एजुकेशन में। तो ऐसे सैटर्न के उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन बच्चों के कुंडली में ये शनि फिफ्थ हाउस में हमें मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपका या तो शनि फिफ्थ हाउस में है पंचम भाव में, या आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक ही मेरे पूरे एफर्ट का वो है, रिवॉर्ड है, यही मेरे को प्रोत्साहन देता है ऐसे और कंटेंट को बनाने का और आप तक लेकर आने का। तो और इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। बात करते हैं फिफ्थ हाउस के शनि के बारे में। तो एजुकेशन की हमने बात की, हमने थिंकिंग की बात की, अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस के और परिणामों की। चिल्ड्रन, ऐसे पर्सन के चिल्ड्रन डिलेड हो सकते हैं, शनि डिले का कारक भी है, तो हो सकता है मैरिज में डिले दे दे क्योंकि सप्तम भाव पे भी दृष्टि है और फिफ्थ हाउस में होने की वजह से ये चिल्ड्रन में भी डिले दे सकता है। ऐसे पर्सन के बहुत लेट थर्टीज़ में हो सकता है संतान हो या मिड थर्टीज़ में संतान हो, बहुत अर्ली मैरिज ये नहीं देता ऐसा साथ में। और अगर बहुत अर्ली मैरिज किसी पर्सन की हो भी जाए तो हो सकता है कि उसके मल्टीपल मैरिजेस भी ये दे सकता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके चार्ट में अगर फिफ्थ हाउस में शनि है, पंचम भाव में शनि है, तो आप मल्टीपल मैरिजेस के लिए इसको कारक मान लें और ये मान लें कि आपके मल्टीपल मैरिज होंगी। इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। शनि का फिफ्थ हाउस में होना एक फैक्टर है उन सभी कई सारे फैक्टर्स में से। तो यह फिफ्थ हाउस का शनि आपके मैरिज के लेटर हाफ में आपको सुख देगा। अगर आपको अर्ली रिलेशनशिप नहीं देगा, जल्दी रिलेशनशिप नहीं देगा, और ऐसा पर्सन जल्दी रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेगा, ऐसे लोगों की एक सोच ये भी होती है कि वो किसी भी चीज़ में कमिटमेंट करने से पहले, कहीं पर भी अपना मन लगाने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, रिलेशनशिप्स में जल्दी एंटर नहीं करते, उन्हें हर जगह एक भय रहता है, क्या ये रिलेशनशिप देर तक चलेगा, लंबा चलेगा, क्या ये मेरे लिए सही पर्सन है, क्या मेरे घर वालों के साथ ये पर्सन जेलप होगा, ऐसे अपने आप से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और कई बार रिलेशनशिप्स में एंटर ही नहीं करते ऐसे लोग। तो फिफ्थ हाउस का शनि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड भी बनाता है। और अगर ये कहीं पर ये सैटर्न किसी शुभ ग्रह के साथ युति कर ले, शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल के लिए फेमस भी हो जाता है। पंचम भाव का शनि आपको लव और रिलेशनशिप के अभाव में भी रखता है। आपका जहां मन लगेगा, हो सकता है आपको वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाए, हो सकता है वो पर्सन आपको ना मिले, तो ये एक आध बार आपको सेटबैक भी देता है आपके रिलेशनशिप्स में। तो ये अपने रिजल्ट्स तो देगा क्योंकि शनि जहां पर भी होता है उस भाव की वृद्धि नहीं करता, उसकी अधिकता बढ़ाता है। तो आपके मेंटालिटी तो ये रहेगी कि आपकी अधिकता तो बढ़ाएगा, ये आपका लगाव कहीं पर होगा लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा, वो मटेरियलाइज नहीं होगा। तो ये एक पिक्यूलर रिजल्ट है ऐसे शनि का। और ऐसे लोग जिनका फिफ्थ हाउस में शनि होता है अपनी क्रिएटिविटी को भी उभारने की बहुत कोशिश करते हैं। उनको लगता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और अपने किसी भी क्रिएटिव एफर्ट में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर शनि शुक्र की राशि में आ जाए तो इस क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे अपनी इस क्रिएटिविटी को उभारने में। और ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, किसी भी चीज़ में रिस्क लेने से पहले 100 बार कैलकुलेट करेंगे कि हमें रिस्क लेना है या नहीं लेना चाहिए। अगर कहीं पर भी स्पेशली बात है जहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डरते हैं ऐसे लोग, और यही उनको पीछे भी खींचता है कई बार लाइफ में। और वो अपने लेटर हाफ ऑफ लाइफ में ये सोच सकते हैं कि काश हमने ऐसा रिस्क पहले ले लिया होता। ऐसे लोगों को सक्सेस भी अपने सेकेंड या थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ में मिलती है, यानी लेट 30s में या फिर 42 ईयर्स की एज क्रॉस होने के बाद, क्योंकि जब सैटर्न का आपकी बुद्धि पे कंट्रोल है, आपके संचित धन को देख रहा है, सेकेंड हाउस पे दृष्टि है इसकी, शनि की 10वीं दृष्टि, तो उस संचित धन भी आपको एक समय के बाद ही शनि देता है, अथक प्रयास और परिश्रम के बाद आप अपने धन को अर्जित कर पाते हैं या उसको बचा के रख पाते हैं। दृष्टियों की बात करें अगर शनि की, तो शनि की तीसरी दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ती है ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तीसरी दृष्टि जब आपके सप्तम भाव पर है शनि की, तो ये आपके मैरिज में प्रॉब्लम या मैरिज मल्टीपल मैरिज की तरफ भी इंडिकेट करती है और ये लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेट करती है।
यही अगर शुक्र पे शनि की दृष्टि पड़ जाए सेवेंथ हाउस में या इलेवेंथ हाउस में, या शुक्र के साथ युति हो जाए ऐसे शनि की फिफ्थ हाउस में जो कि सेवेंथ लॉर्ड है या फिर नाइन्थ लॉर्ड है, तो ये लव मैरिज को और ज़्यादा सशक्त कर देता है। ऐसे पर्सन की लव मैरिज होना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है ऐसे पर्सन के केस में। ग्यारहवें भाव पर दृष्टि ऐसे शनि की शुभ मानी गई है। ये आपको बिजनेस में नेचुरल इंस्टिंक्ट देती है बिजनेस डिसीजन लेने में, लेकिन क्योंकि इंसान सेल्फ कंट्रोल में रहता है, अगर रिस्क नहीं लेता तो ऐसा पर्सन बिजनेस भी बहुत लेट कर पाता है, बहुत सोच विचारने के बाद कर पाता है जब वो अपने एज की तीसरी अवस्था में एंटर कर रहा हो। शनि की जो दसवीं दृष्टि है द्वितीय भाव पे पंचम भाव से, यह दृष्टि ऐसे पर्सन को काफी शाय बनाएगी, बहुत इंट्रोवर्ट बना देगी, और जिन लोगों के साथ ऐसा पर्सन खुला हुआ होगा उन्हीं से अपने बातों को अपने विचारों को रखेगा और बाकी लोगों से शायद शेयर ना करे। तो ये दृष्टि ऐसे शनि की द्वित्व भाव पर इंसान को शाय बनाती है, और पब्लिक स्पीकिंग से ऐसा पर्सन डरता है, अपने शेल में रहना पसंद करता है, और संचित धन भी थोड़ा देर से देता है लाइफ में। अगर हम शनि ऐसे शनि के उपायों की बात करें तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि जो पंचम भाव पर जो लॉर्ड है, जो इस भाव का ओनर है, हमें उसको पूजना चाहिए। अगर शनि का कोई मित्र प्लैनेट है या कोई शत्रु प्लैनेट है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, तो ऐसा शनि कंट्रोल में रहता है। हनुमान जी की उपासना से ऐसे शनि आपको खराब परिणाम नहीं देते फिफ्थ हाउस के, स्पेशली आपकी मैरिज में या आपके जो धन है उसकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के दर्शन करिए, तो यह चीज़ें आपको शनि के नेगेटिव प्रभावों से प्रोटेक्टेड रखेंगी। सेल्फ कंट्रोल के लिए जब आप या डिसिप्लिन रहते हैं तो ऐसा शनि आपको आपके परिश्रम का, ये परिश्रम है आपकी जो तपस्या है, उसका परिणाम देता है। खान पान और अपने भोजन को जितना सात्विक रखेंगे, आप नॉनवेज मत खाइए, आप अपने भोजन को जितना सात्विक रखेंगे शनि आपको एफर्ट का रिजल्ट ज़रूर देगा और आपको खराब परिस्थितियों में परेशानी नहीं देगा, आपको उससे उभारने में सक्षम कर देगा। तो ये बहुत जेनरिक उपाय हैं, पूरी कुंडली को ध्यान में रखकर उसके बाद ही सारे उपायों को एक बार देखना चाहिए, लेकिन ये जनरल उपाय हैं ऐसे शनि के। और शनि का जो नग है नीलम, उसको कभी भी बिना सोच विचारे नहीं पहनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उसका सब्स्टिट्यूट कभी भी पहन सकते हैं, नीली है या जामुनिया स्टोन है, ऐसा नहीं है। आप अपने शनि को बहुत ज़्यादा समझ कर ही कुंडली के उसको एवेल्यूएट कर ही उसका जेमस्टोन पहनना चाहिए। कुछ जेमस्टोन हम कभी भी पहन सकते हैं जैसे सुनैला, लेकिन शनि के जेमस्टोन हमें कभी भी बिना सोच विचारे, रत्न या उपरत्न कभी भी बिना ठीक से कुंडली में उसके एनालिसिस किए बिना नहीं पहनने चाहिए। तो आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।